पब्लिक स्कूल खोल के हमारे आगे बढ़ने के रास्ते को बंद कर, और दूसरी तरफ ये यहां भी संतुष्ट नहीं हुए। दूसरी तरफ 1990 के आसपास इन्होंने ठेकेदारी प्रथा शुरू की, आउटसोर्सिंग शुरू किया, और जो हमारे लोग सरकारी नौकरी में आ जाते थे उस रास्ते को भी उन्होंने बंद कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं, क्या उस वक्त लोकसभा और राज्यसभा में हमारे सदस्य नहीं थे जब ऐसा हुआ? क्या कर रहे थे? क्या उन्होंने इस मुद्दे को उठाया? उसके बाद भी नहीं रुके, उसके आगे भी सुनिए आप, दिखा दो जल्दी। उसके बाद एक तरफ तो पिछले से पिछले पे कमीशन में फोर्थ क्लास एम्प्लॉयमेंट को बिल्कुल बैन ही कर दिया कि फोर्थ क्लास एम्प्लॉयमेंट सरकारें नहीं रखेंगी, अब आउटसोर्स से लेंगी, एमटीएस बोलते हैं, मल्टीटास्क सर्विस। और जो आउटसोर्स कर दिया हमारी रिजर्वेशन है नहीं, और हमारे मेजोरिटी में लोग आते थे फोर्थ क्लास में, तो इन्होंने हमारा तो फोर्थ क्लास का भी रास्ता बंद कर दिया, और इसके बाद भी नहीं रुके। सरकारी स्कूलों में करीब 10 साल पहले एक पॉलिसी ऐसी लागू की जिसकी डिमांड पेरेंट्स ने नहीं की, उसकी डिमांड टीचर्स ने भी नहीं की, उसकी डिमांड बच्चों ने भी नहीं की, नो डिटेंशन पॉलिसी। किसी को भी फेल मत करो, पहली से आठवीं तक सबको ऐसी पास कर दो, और जब पहली से आठवीं तक ऐसे ही पास हो गया और नौवीं में करके जो फेल हो जाए उसे निकाल दो स्कूल से। जब उस बेचारे ने सीखा ही नहीं कुछ, बाकी सब्जेक्ट तो छोड़िए, अगर उसे कहे कि भाई बीमारी की छुट्टी की एप्लीकेशन हिंदी में लिख दे, और वो हिंदी में भी बीमारी की छुट्टी की एप्लीकेशन नहीं लिख पा रहा, नौवीं में चला गया, और नौवीं में उसे एग्जाम पास करना नहीं, तो उसको जवाब